दोस्तों हम लोग इस ब्लॉग में मुजफ्फरपुर का दुर्गा मेला घूमने वाले हैं। तो देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं LS कॉलेज के पास। LS कॉलेज के गेट के पास कुछ इस तरह का सजावट है, आप देख सकते हैं कितने चहल पहल है। पूरा डेकोरेशन से ये मार्केट, ये पूरा बिल्डिंग सब कुछ सजाया गया है। यहीं पे आगे बढ़ने के बाद छाता चौक आता है। छाता चौक से बगल में एक गली जाती है, उस गली में इस तरह का कुछ मूर्ति बनाया गया था। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मेला देखने के लिए आ जा रहे हैं और काफ़ी भीड़ है। आने जाने वालों का बहुत तांता लगा हुआ है और फाइनली हमको जहां जाना था मेला देखने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। यह जगह है मारीपुर। मारीपुर का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। यहां जो मूर्ति बनाई जाती है वह बहुत ही अच्छा रहता है, डेकोरेशन से लेकर सब कुछ। और विशेषता यह है कि यहाँ की जो मूविंग मूर्ति जो होती है बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मूविंग मूर्ति बनाया जाता है। और भीड़ के वजह से आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक किस तरह से जाम हो चुका है। पुलिस भी है जो पूरा मैनेजमेंट के साथ है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस इसमें हेल्प कर रहे हैं और बहुत ही ढंग से ये ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है। और ये भीड़ आप देख सकते हैं क्या भीड़ है। और अब हम लोग ये पंडाल की तरफ देख सकते हैं, ये मूर्ति, ये मूविंग फ्लाइंग मूर्ति है राक्षस का। ऊपर आप देख सकते हैं ये माँ दुर्गा की प्रतिमा है, 10 हाथ है। आप देख सकते हैं किस तरह से इनके हाथ मूव कर रहे हैं। और ये राक्षस राज है, नीचे शेर है, आप देख सकते हैं। और ये त्रिशूल राक्षस को भेदेगा। ये देखिए मूविंग त्रिशूल। अब ये शेर महाराज को देखिए किस तरह से मूव कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। ये राक्षस की, राक्षस राज की मूविंग मूर्ति को देखिए। तो इस तरह की यहाँ मारीपुर में मूर्ति बनाई जाती है और यह आकर्षण का केंद्र होता है। ये देखिए फ्लाइंग राक्षस ऊपर से आता है फ्लाइंग करते हुए और अपने राक्षस राज को मैसेज देता है कि आपके राज्य में एक बहुत सुंदर स्त्री प्रवेश की है, आप उसे अपना भारिया बना ले। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये मूविंग मूर्ति है राक्षस का फ्लाइंग करते हुए। और यही लोगों को आकर्षित करता है, जो दूर दराज से लोग आते हैं इस मारीपुर के मेला को, दुर्गा मेला को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर में ऐसा मूर्ति कहीं नहीं बनाया जाता है, सिर्फ मारीपुर में इस तरह का मूवेबल फ्लाइंग यह मूर्ति बनाई जाती है राक्षस का, माँ दुर्गा की, जो लोगों को आकर्षित कर खींचते हुए यहाँ लाती है। तो ये आप देख सकते हैं कितना शानदार, कितना बेहतरीन, कितना अच्छा लग रहा है ये फ्लाइंग। लोग इसी को देखने के लिए आते हैं। ऐसा नज़ारा आपको कहीं भी दुर्गा मेला का नहीं मिलता है मुजफ्फरपुर में। बिहार की बात तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि पूरे बिहार में नहीं घूमा हूँ, मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ इसलिए मैं मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए मुजफ्फरपुर के मारीपुर का ये मेला, ये दुर्गा मेला दशहरा, ये मूविंग फ्लाइंग राक्षस। एक स्त्री नगर के निकट देखा है,
ऐसी उत्तम स्त्री देवलोक अथवा गंधर्व लोक में मिलना असंभव है। इस मनोहारिणी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहाँ लाकर अपनी प्रेयसी भार्या बना लें। देवी देवताओं को पराजित करने वाला दुर्गमासुर, महाशक्तिशाली, महाज्ञानी, महापराक्रमी दुर्गमासुर हूँ मैं, जिसका अंत करना दुर्गम ही नहीं अपितु असम सब। मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रही हो तो देखो, देखो दुर्गमासुर की अपार शक्ति को, देखो। बहुत इच्छा थी ना तेरी एक नारी द्वारा अपना अंत करवाने की, जिससे वर्षों का तप की पलके ना जमकाई हो। चलो देख, देख, मैं विशालाक्षी बिना अपनी पल के झपकाए तुच्छ नारी पुकारता रहा ना जिसे, आज वही नारी तेरे आने के उपरांत दुर्गा नाम से विख्यात होगी।